दोस्तों एक्सेल शिक्षा के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे। ये टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। ये आपके शीट को एरर प्रूफ बना देता है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि किसी भी एक सेल के अंदर मैं कुछ ऐसी वैलिडेशन लगाऊँ, ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाऊँ कि जो डेटा मैं अलाउ करूँ सिर्फ वही डेटा एंटर हो सके, उसके अलावा कुछ भी एंटर ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए देखिए कि यहाँ पे इस तीन सेल में मैं चाहता हूँ कि या तो यस आए या फिर नो आए, उसके अलावा कुछ भी ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डेटा में गया, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आता है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ लिस्ट बनाई मैंने कि या तो यस आए या फिर नो आए, इसे मैंने ओके किया। अब अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूँ, जैसे मैंने लिखा प्रदीप और एंटर किया, तो ये मुझे एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि सिर्फ यस या नो आ सकता है। यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया जिसमें यस या नो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया। तो इसको हम बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। इसे हटाने के लिए यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गया, क्लियर वैलिडेशन किया, क्लियर ऑल, ओके। अब इसी टाइप में डेटा वैलिडेशन हम और क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए। जैसे एक तो मैंने लिस्ट बनाना आपको सिखाया ना कि जो लिस्ट मैं यहाँ पे बना के दूँ, यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट अगर मुझे चाहिए तो लिस्ट सेलेक्ट करके जो भी मैं लिस्ट बना के दूँ, जो जो इस लिस्ट में मैं टाइप करके दूँ सिर्फ वही यहाँ टाइप हो सके, उसके अलावा कुछ और ना आए। कोई लिस्ट के अलावा भी और भी कुछ ऑप्शन हैं। जैसे देखिए हम वन बाई वन करके इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं एक डेटा एंट्री शीट बना रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा कि नेम होगा एम्प्लॉय का, यहाँ एज होगी, यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। इनमें मैं अलग अलग वैलिडेशन लगा रहा हूँ कि जो मेरा डेटा एंट्री ऑपरेटर होगा वो गलती से भी इसमें कोई गलत चीज ना लिखे। गलत चीज ना लिखे मीन्स कि जो डेटा मुझे चाहिए वो डेटा ही आए, मुझे बार बार डेटा को ठीक करने की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि नेम वाले कॉलम में गलती से भी उससे कोई 1 2 3 या कुछ स्पेशल करेक्टर या ऐसा कुछ टाइप ना हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये डाटा यहाँ सेलेक्ट किया, डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन, और मैंने यहाँ अपनी कस्टम लिस्ट बनाई। वो कस्टम लिस्ट क्या होगी, उसमें एक फॉर्मूला दिया मैंने, इज टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट, जो इस सेल वैल्यू में जो भी चीज लिखी हो वो टेक्स्ट है, यानी कि दैट इज ट्रू, तब तो उसको अलॉट करे, अदरवाइज वो एरर दिखा दे। जैसे अब यहाँ देखिए, अगर मैंने लिखा प्रदीप, ये टेक्स्ट है तो चल रहा है, लेकिन अगर मैंने 1 2 3 4 लिखा तो ये एरर मैसेज दिखाएगा, ठीक है। इसी टाइप से जैसे मैंने यहाँ वैलिडेशन लगाया, इसको नीचे तक जहाँ तक मुझे सब में लगा दूंगा, तो कहीं भी अगर मैं टेक्स्ट के अलावा कुछ भी लिखूंगा तो एरर दिखाएगा और बोलेगा रिट्राई करो। अब जैसे ये जो मैसेज दिखा रहा है, इस मैसेज को भी हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ वैलिडेशन लगा हुआ है, वैलिडेशन में क्या एरर अलर्ट स्टॉप दिखा रहा है, टाइटल में कुछ भी दिखा सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं योर इनपुट इज इनकरेक्ट, और मैसेज क्या है, प्लीज इंस्टॉल द नेम्स ओनली, ओके किया। अब जैसे यहाँ अगर किसी ने 1 2 3 4 लिखा है तो एरर दिखाएगा। डेट लिखूंगा अगर 1 मई तो इसने ले लिया, लेकिन अगर डेट मैंने लिख दिया गलती से 10 मई तो ये एरर दिखाएगा, या 1 जून लिख दिया तो भी ये एरर दिखाएगा। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि डेटा वैलिडेशन में मैं क्या क्या चीजें लगा सकता हूँ। इनपुट में ये सारी चीजें हैं, वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, ऐसे टाइम, टेक्स्ट लेंथ, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर्मूले, ये सब चीजें चल सकती हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की, इनपुट टेक्स्ट। इनपुट टेक्स्ट क्या है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ यूजर को पहले से पता लग जाए कि उसका इनपुट किस टाइप का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मेरे को एज एंटर करनी है और तो मैं पहले से मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा इनपुट टेक्स्ट में
प्लीज एंटर डेट सॉरी एज ओनली, और यहां मैंने दिया एज विल बी बिटवीन 18 to 50। ओके, तो जब भी कोई इस सेल पर आएगा तो ये उसको अपने आप ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। ये सिर्फ मैसेज दिखा रहा है यूजर के लिए कि उसको क्या इनपुट यहाँ डालना है। क्लियर है? इसी टाइप से अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने डेटा वैलिडेशन में सेटिंग टाइप की बात कर ली, इनपुट की बात कर ली, एरर अलर्ट की बात कर ली। एरर हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एरर अलर्ट में मैं या तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन में क्या होगा, लेट्स से जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि जो भी डेट लिखनी है वो D4 से लेके E4 के बीच में आएगी, यानी कि 1 जनवरी से 5 मई तक आएगी। अगर वो एरर होती है तो एरर में किस किस टाइप के अलर्ट आ सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन अलर्ट का क्या मतलब हुआ कि यहाँ ने मैंने लिखा योर इनपुट इज इनकरेक्ट, ठीक है, और यहां लिख दिया प्लीज इंसर्ट द करेक्ट डेट। ओके, अब यहां जब मैं कोई भी गलत डेट डालूंगा, मान लीजिए मैंने डाला 1 जून, तो देखिए ये दिखा रहा है योर इनपुट इज इनकरेक्ट, प्लीज इंसर्ट द करेक्ट डेट। मैंने ओके किया तो इसने इसको ले लिया। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ मुझे वार्निंग दिखाई। तो यहां मैंने डेट एंटर करने की कोशिश की, मैंने गलती से लिख दिया 1 जून, तो ये मुझे एरर तो दिखाएगा, प्लीज इनपुट द करेक्ट डेट, प्लीज इंसर्ट द करेक्ट डेट। तो एरर दिखाया बट इसने मुझे ओके का ऑप्शन भी दिया। अगर मैं ओके करूंगा तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या था, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। अब मैं चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन के अलावा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो मैं कैसे गया, यहां गया डेटा वैलिडेशन में, सॉरी सिलेक्शन मेरा यहां से था, दोबारा मैंने सिलेक्ट किया डेटा, डेटा वैलिडेशन में गया। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं, ये वार्निंग चाहिए कि ये वार्निंग दिखा। तो वार्निंग में भी उससे एक स्टेप आगे बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन तो देगा लेकिन मुझे यस नो दोनों का ऑप्शन देगा। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहां मैंने डेट सिलेक्ट कर ली 25 मई, अब ये वार्निंग दे रहा है। वार्निंग में क्या किया कि कह रहा है कि आपका इनपुट गलत है और क्या आप इसको करेक्ट करना चाहते हैं। अगर मैं नो करूंगा तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इंफॉर्मेशन में यस नो का ऑप्शन नहीं था, उसमें सिर्फ कह रहा था या तो आप इस इंफॉर्मेशन के बेस पे करेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ आपको दोनों ऑप्शन दे रहा है, करेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर करेक्ट करना चाहते हैं तो इसे इग्नोर कीजिए, करेक्ट डेट यहाँ डालिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो भी मैंने लिखा है, मैंने 25 मई लिखा तो है तो 25 मई को ले लें, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा यस, तो ये 25 मई को भी ले लेगा। अब तीसरे टाइप का वार्निंग कि मैं चाहता हूँ कि इनपुट अगर गलत हो तो इंटर ही ना करने दें, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं स्टॉप वाला। आई होप आप समझ रहे होंगे तीनों में क्या फर्क है। इंफॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्म करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इनपुट करेक्ट है या नहीं है। वार्निंग आपको वार्निंग देगा बट आपको ऑप्शन भी देगा कि इसको आप इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मैं स्टॉप लगाऊंगा तो वो आपको इनकरेक्ट डेट इनपुट ही नहीं करने देगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एररलेस। ये आपको एररलेस बना देगा कि वो एरर आप चाह के भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ओके किया, मेरी इनपुट की डेट है 1 जनवरी से 25 मई। अगर मैंने यहाँ 1 जनवरी से कुछ ज्यादा लिखा, जैसे 10 जनवरी करेक्ट है तो ये इसको ले लेगा। लेकिन अगर मैंने इसको यही लिख दिया 1 जून, तो ये मुझे इंसर्ट ही नहीं करने देगा, बोलेगा या तो उसको कैंसिल करो या आप रीट्राई करो। समझ रहा बात को? तो अब इसमें इससे आगे क्या, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं लिस्ट के बारे में अभी आपको दोबारा सिखाऊंगा। तो लिस्ट में जैसे मान लीजिए यहाँ पे
मेरे पास है कि ये किस जोन से आते हैं बंदे। जोन जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है कि इंडिया में, मैंने इनको दो तीन इंडिया बोल दिए, या फॉर एग्जांपल दिल्ली लेते हैं। दिल्ली में चार जोन मैंने कर रखा है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। ये चार जोन हैं। फॉर एग्जांपल इनको अभी मैंने यहाँ सामने ना दिखा के नीचे कहीं रख रखा है डेटा वैलिडेशन के लिए यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे जोन से सब क्या के जैसे मैंने लिख दिया, जेड वन जोन, अब मैं चाहता हूँ यहाँ जो मेरी लिस्ट लगी हो कि ये किस जोन से अटेन करते हैं, वो सिर्फ इन चार के ऊपर ही आए और ज़्यादा ना आ पाए। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया डेटा वैलिडेशन में गया और यहाँ लिस्ट में आके मैं अपनी लिस्ट बनाऊंगा, मैंने साउथ कॉमा वेस्ट कॉमा ये कॉमा वो मैं लिखता जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास वो लिस्ट बहुत लंबी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी चार के ले लिया है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा लंबी लिस्ट हो, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट में गया, सोर्स पे यहाँ क्लिक किया और मेरा सोर्स कहाँ है, ये चार है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। देखिए ऑटोमेटिक इसने पहले F4 से इसको फ्रीज कर दिया है, ये चार ही सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैंने ओके कर दिया। तो अब जैसे यहाँ मैंने मान लीजिए गलती से 1 2 3 4 लिख दिया, तो ये एरर दिखा रहा है, योर इनपुट इज इनकरेक्ट, प्लीज इंटर द नेम ओनली। और जब रिटायर करके इसको कुछ और लिखूंगा, मान लीजिए मैंने लिखा अमित, तो इसने इसको ले लिया। तो ये एक टाइप का था। इसमें देखिए अब हम कुछ और चीज सीखते हैं। लेट्स से ये एज है, मैं चाहता हूँ एज में 18 से लेकर और 60 साल या 50 साल तक ही एंट्री आ सके, तो उसके लिए क्या करेंगे, डेटा सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गया, और यहां मैंने लगाया कि मुझे चाहिए होल नंबर। होल नंबर मीन्स यहाँ कोई डेसिमल ना हो, क्योंकि अगर मुझे डेसिमल वाले नंबर चाहिए तो मैं डेसिमल वाला लूंगा। डेसिमल मतलब जैसे 20.2, 10.3, 1.2 इस टाइप से, लेकिन मुझे होल नंबर चाहिए। होल नंबर में कह रहा है किस टाइप से, तो देखिए बहुत सारी लिस्ट है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब हम इस टाइप से किसी भी टाइप की कंडीशन दे सकते हैं। तो यहाँ हमारी कंडीशन क्या है कि मुझे बिटवीन चाहिए कि मिनिमम एज 18 साल लिख सके और मैक्सिमम एज इसके अंदर 50 साल लिख सके। ये लगा के मैंने जैसे ओके किया, ओके हो गया। अब यहाँ गलती से किसी ने एज अगर 10 ईयर लिख दी तो ये एरर दिखाएगा, और इसमें अगर जब 18 से ऊपर लिखेंगे, लेट से 20 30 25 कुछ भी, तो ये इसको ले लेगा, 50 से नीचे 49 तक ले लेगा, 50 से ऊपर गलती से कितने लिख दिया, 52 नहीं लेगा। तो हम इस टाइप से भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं अब चलता हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग में। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में मैंने किया डेटा वैलिडेशन, अगेन मुझे यहाँ डेट डाली है, तो डेट में ऑप्शन है, फिर वही डेट में भी इसी टाइप से ऑप्शन है। मैं स्टार्ट डेट, एंड डेट को कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग में लिखा कि स्टार्ट डेट जो है किसी एक सेल का रेफरेंस देकर भी मैं ले सकता हूँ, या इसके अंदर लिख के भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि यहाँ जो डेट लिखी हो वो मेरी स्टार्ट डेट हो D4 में, और एंड डेट जो है वो मेरी E4 के अंदर हो, सिर्फ उन्हीं को ले, ओके। और जैसे D4 में मैंने दे दिया डेट कि 1 जनवरी से लेके और आज तक की डेट। तो अब यहाँ अगर मैं मान लीजिए आज की डेट लूँ तो ये ले लेगा, और इसी डेट को मैंने गलती से 6 तारीख कर दी या 7 तारीख कर दी तो ये इसको नहीं लेगा। ये आ गया, ये क्या करेगा कि जब मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में चेक करूंगा तो मुझे चार ऑप्शन देगा, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ की, जिनको मैं ड्रॉप डाउन के थ्रू सिलेक्ट कर सकता हूँ। और गलती से अगर मैंने कुछ और लिख दिया तो ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये
तो डेटा मेरा जैसे इसी शीट में था जिससे मैंने अपनी लिस्ट तैयार कर ली। अब हम ये चेक करते हैं कि अगर मान लो ये डेटा मेरा इस लिस्ट में ना हो और वो किसी और शीट में हो तो क्या तरीका होगा उसको वैलिडेशन लगाने का। सबसे पहले तो जो हमने वैलिडेशन लगाया इसको हटा लेते हैं। इसके लिए क्या किया, मैंने रेंज सेलेक्ट की, डेटा में गया, ये वैलिडेशन में गया और यहाँ से क्लियर रूल कर दिया। तो ये आप देखेंगे ड्रॉपडाउन हट गया, वैलिडेशन हट गया। अब पहला तरीका तो ये है कि जो मैंने इसको सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गया, यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट की और सोर्स में जाके जिस शीट में था उस शीट में से मैंने अपने सोर्स का नाम दे दिया, ओके किया, तो ये वैलिडेशन उस शीट से लग गई। हम ऐसे भी चल सकते हैं। अब दूसरा तरीका इसका क्या है, जैसे देखिए इसको मैंने यहाँ से अगेन डेटा वैलिडेशन में गया और इसको मैंने क्लियर किया। अब मैं उस शीट में गया जहाँ मेरा डेटा था, किसी भी शीट में हो, वहाँ मैंने अपनी रेंज सेलेक्ट की, इसको मैंने एक नाम दे दिया, डिफाइन नेम, मैंने इसको बोला ZONE जोन, ओके। तो ये मेरा डिफाइन नेम हो गया। अब जब मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के लिए जाऊँगा तो देखिए कैसे मैं लगाऊंगा, डेटा वैलिडेशन, मुझे लिस्ट चाहिए, मैंने लिस्ट लगा दिया। अब सोर्स के लिए मैं डायरेक्ट ही इक्वल टू अपना नाम लिख दूंगा ZONE, जो मैंने नाम डिफाइन किया था। तो मैं इस तरीके से भी इसको लगा सकता हूँ। तो इसी टाइप से कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डेटा वैलिडेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने कुछ शॉर्ट्स भी बना रखे हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आपको डेटा वैलिडेशन में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझको कमेंट से पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ अटक रहे हैं या इसमें इस कंडीशन में डेटा वैलिडेशन कैसे लगाएगा। आप क्वेश्चंस के साथ आइए, आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। आप मुझे DM कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं या डायरेक्ट आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो तब तक इसी टाइप की इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल एक्सेल शिक्षा को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और थिंक ऑफ एक्सेल शिक्षा।